एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल दसवीं मानू मानी योर बॉयज गर्ल। और काफ़ी ज़्यादा दिनों से मैं बहुत सी चीज़ों पर स्टक थी और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत कुछ शेयर करना है। बट इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग माई एयरबीएनबी एक्सपीरियंस, हाउ मच इट कॉस्टेड, हमने कब बुक किया, एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था, और थोड़ा थोड़ा बीच में स्टोरीज मेरे से रिलेटेड। सो या लेट मी गिव यू अ टूर। ये ओनर का घर है, ये हमारा एयरबीएनबी वहाँ पे है। सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। यहाँ पे एयरबीएनबी का ऐसा सिस्टम होता है ना गाइस कि ओनर अपना बेसमेंट या फिर एक्स्ट्रा रूम्स जो होते हैं उनको उनकी इनकम के लिए वो दे देते हैं स्टूडेंट्स को, एयरबीएनबी ऐप पे चढ़ा देते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल दैट यू गो इन द ऐप और आप सर्च करो। और मैंने ना सुपर होस्ट के इस पे बुक किया था। सुपर होस्ट वो एक ऐप पे ऐसे दिखता है जिसने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, जिनके प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा रिव्यूज़ आते हैं, तो आप रिव्यूज़ देख के कभी भी लिया करो, कोई भी प्रॉपर्टी बुक किया करो। तो मैंने एक महीने पहले ही बुक कर दिया था इंडिया से आने से पहले। और लेट मी टेल यू, मैं इस एयरबीएनबी में रही भी नहीं हूँ, इतना अलग ही स्टोरी है मेरी, वो आपको किसी दिन बताऊँगी। बट लेट मी गिव यू अ टूर। सोचा कि यार मैं भी इंडिया में थी ना, तब देखती थी कि एग्जैक्टली एयरबीएनबी का क्या कॉस्ट एक्सपीरियंस है और एग्जैक्टली कैनेडा में एयरबीएनबीज कैसे होते हैं। सो लेट मी टेल यू कितना कॉस्ट लगा एक रूम का, और चलो बताते हैं। और ऑनेस्टली इतना सस्ता भी नहीं है, तो ऐसे आना पड़ेगा, आ जाओ। सो दिस इज द एंट्रेंस। और मैं पहले बैकयार्ड दिखा दूँ क्या? बैकयार्ड इज सो गुड, एटलीस्ट हमारे पास एक रूम है और सब है बेसमेंट में। बट दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल, तो आप देख रहे हो, बस यही गोल है कि भगवान बस इतना ही पैसा दे दे कि इतना बड़ा बैकयार्ड और ये सब बन जाए। मतलब इंडिया में इतना घर भी हो ना तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन सी यहाँ पे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा बना के रखा है, एंड यहाँ पे ऑल्सो द ओनर प्लेस, सो इट इज़ सो गुड। सो चलो दिखाते हैं फटाफट एयरबीएनबी का रूम टूर, और एक्चुअली बेसमेंट टूर ही है ये, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस पे ऐसे कोड बने होते हैं। सो जब हम आए थे ना, तब हमें ईमेल पे आया था कि दिस इज़ द डोर, यू हैव टू कम फ्रॉम दिस साइड एंड डायल द कोड। सो ऐसे उसको दबा के फिर ये ओपन हो जाता है, बट आपको तो कोड बता नहीं सकती मैं। चलो, सो फर्स्ट टाइम मैं इंडिया से आने के बाद ऐसे नीचे उतर रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं यूज टू नहीं किया था जाने के। बट दिस इज कैनेडा गाइज, यहाँ पे बेसमेंट, लोग बेसमेंट से भी इतना पैसा छाता है, मैं क्या बताऊँ। सो यू कैन सी रूम नंबर टू, रूम नंबर वन, और हमारा है रूम नंबर थ्री, ठीक है। और ये है कॉमन स्पेस, तो मतलब ओनर ने तीन रूम के अलग अलग पैसे कमाए हैं और सिर्फ कॉमन स्पेस शेयर कर सकते हैं। तो आप अपना खाना पीना सब हमें धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत, लाइक मेरा फ्रेंड आदित्य यहाँ पे रहता है, सो उसने बेचारे ने सब ने थोड़ा थोड़ा लाया, लाइक यू नो बनानास, बेसिक ब्रेड एंड मिल्क, ये सब आप स्टार्टिंग के डेज के लिए। सो हमने 16 डेज के लिए बुक किया था, सो 16 नाइट्स एक्चुअली, 31st को ये खाली करना है। मैं तो यहाँ पे लिटरली सेकेंड नाइट आई थिंक कल रुकी हूँ, बाकी मैं नॉर्थ यॉर्क में थी। बट दिस वॉज आई थिंक इम्पॉर्टेंट टू शेयर एक एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस भी। दिस इज आर रूम, अभी हमें कितने दिन हो गए यहाँ पे, आई थिंक 13 डेज। सो थोड़ा बहुत ऑब्वियसली इतना सामान के साथ बहुत क्लीन रखना तो मुश्किल है, अदित्य गिव देम द टूर। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनेडा में ना ऐसे क्लोसेट्स होते हैं, सो यहाँ पे भी हमने स्टार्टिंग के डे में ना बैग रख दिए थे, बट फिर इशू क्या हो रहा था, बार बार कुछ निकालना है, बार बार रखो खोलो। तो अब हमने फाइनली मान लिया है कि ऐसे ही सामान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप रह रहे हो तो आपको यही आपका वार्डरोब है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, दिस इज द रूम जिसके इतने पैसे लिए हैं ना, तुमको बताओगे तुम बोलोगे कि भाई बहुत महंगा है। और ये टीवी भी है, एटलीस्ट यू नो ये है कि मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम बेसमेंट में लाइक फर्स्ट टाइम रात को सो रहे थे ना, तो मैं इतनी थक गई थी, टाइम से सो गए थे, बट सुबह ही धाप 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 आवाज़ आने लगती, मतलब अगर ओनर उठ गया है ऊपर और वो मतलब यू नो उनका काम के लिए सब काम वाम कर रहे हैं, तो इतनी आवाज़ें आती हैं यहाँ पे, तो आप खुद ही उठ जाओगे, आपको अलार्म क्लॉक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप बेसमेंट में रह रहे हो तो। सो यार ये हमारी कॉमन एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, वहाँ पर अडैप्टर वगैरह लगा है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और यहाँ पे आप देख सकते हो मसाले ये सब ऐसे खुले में पड़े हैं जो कि हमने यहाँ से भी उठा के रखे हैं कि हाँ भाई थोड़ा तो क्लीन लगे, ठीक है। तो या दिस इज द वन, एंड ये है एक कॉमन वॉशरूम,
दिस इज द सिस्टम ओवर योर. आप देख सकते हो वहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगता है कि वॉशरूम वेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बाथ टब सेपरेट होते हैं, या तो कर्टन्स लगे होते हैं, या तो यू नो ये शील्ड टाइप्स लगा होता है मिरर का. सो दैट्स गुड कि आप नहाए, आपने फ्रेशन अप किया. बट वही है यार, आपको बहुत आदत डालनी पड़ेगी टू शेयर इट विथ पीपल एंड लोगों के हिसाब से. अभी जब मैन आई एम लुकिंग फॉर अपार्टमेंट, तब वहाँ पे भी यही सीन है कि एक कॉमन वॉशरूम होगा एंड 5-6 पीपल लिविंग इन दैट. सो आप सोचो सुबह को जब सब भागते होंगे काम पे, तो सबको फ्रेशन अप होना है, सबको नहाना है. सो दैट्स द थिंग. आई थिंक इवन आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है. एंड दिस इज द थिंग, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वॉशिंग मशीन और ड्रायर है, जिसमें मैंने अब तक कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि मैं नॉर्थ यॉर्क में रह रही थी. आदित्य तूने धोए कि नहीं? Yes. धोए? कैसा था, मतलब कपड़े कुछ हुए कि नहीं, ड्रायर से कुछ श्रिंक विंक हुए कि नहीं? नहीं कुछ नहीं, तो पहनने जैसे लायक हो जाते हैं ड्रायर में से निकलते हुए. आदित्य ने अप्रूव कर दिया, इतना कुछ नहीं तो गुड राइट. मतलब यहाँ पे हमें इसके चार्जेस नहीं है राइट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट. तो मुझे भी वसूल करना है इसको जाने से पहले, क्योंकि मेरे पैसे तो पूरे वेस्ट गए हैं. सो लेट मी टेल यू हमें कितना कॉस्ट पड़ा. कॉस्ट हमें पड़ा था 71,000 रुपीज, इंडियन रुपीज. ओके, और अगर हम देखें तो 1,000 कैनेडियन डॉलर्स से ज़्यादा ही पड़ा फॉर 16 नाइट्स का हमने इतना पैसा लिया है, एक रूम का और शेयरिंग ये स्पेस का. सो दैट इज़ दैट. और सोचो वो दो और रूम्स पे भी कितना रेंट कमा रहे हैं, बेसमेंट में इतना एयरबीएनबी में पैसा कमा रहे हैं. बट ये है ना, आप स्टूडेंट होते हो, आपकी भी मजबूरी होती है कि आप कहाँ पे रहोगे, सोओगे, सामान रखोगे. सो या हमने एक महीने पहले ही देखना शुरू कर दिया था. अब मेरा कॉलेज है मिसिसागा लैम्पटन, सो मुझे मिसिसागा ही लगा था कि मिसिसागा में ही लेते हैं एयरबीएनबी. तो हमें ये वन ऑफ द चीप ऑप्शंस था, मतलब इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे एयरबीएनबीज. तो यहाँ पे ऐसे हमें दिखा था कि रूम नंबर 3 मिलेगा हमें, तो हमने ले लिया. बट इट इज़ गुड, लाइक ओनर बहुत अच्छा है. लाइक हम जब नॉर्थ यॉर्क से आ रहे थे, तब आदित्य ने कीज़ वहाँ पे छोड़ दी थी, तो मैंने एयरबीएनबी में उन्हें टेक्स्ट किया और उनने हमें फटाफट दे दिया बिना कुछ बोले. ऐसे नहीं कि कैसे घूम गई, क्या हो गया, दे दिया सिंपली. सो ही इज़ क्वाइट नाइस एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल. सो हमने उनसे फर्स्ट डे पे बहुत सजेशंस भी लिए थे, उनके एक्सपीरियंसेस भी पूछे थे, और फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा उन्हें. सो या दिस इज़ द एक्सपीरियंस विथ द एयरबीएनबी. और कॉस्टिंग वाइज यार, आप और भी ट्राई कर सकते हो. अगर मैं थोड़ा और पहले ढूंढती तो थोड़े और सस्ते मिल रहे थे. जैसे जैसे इनटेक पास में आता है ना, अच्छी प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, और जो बची हुई होती है ना, वो भी अपने रेट्स बढ़ा देते हैं. सो दैट इज़ द थिंग विथ Airbnb. तो ऑनेस्टली गाइज, मैं तो इतना यहाँ पर रही नहीं हूँ. मेरे 35,500 कुछ तो ऐसे, मतलब 71,000 हम दोनों ने मिलके भरे थे. सो मैं तो लिटरली सेकेंड नाइट यहाँ पे रुकी हूँ. मैं अपने पहचान वालों के यहाँ पे ही थी, जो कि मैंने दो दिन पहले मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया था. तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार काश मैं Airbnb के लिए थोड़ा रुक जाती. बट यार सबके साथ ऐसा नहीं होता ना, तो यू कांट टेक रिस्क. Airbnb चाहिए, हाउसिंग सिचुएशन थोड़ी टाइट है यहाँ पे. Airbnb बुक करवा लो एंड उसके बाद आने पे, क्योंकि हमारे कुछ रूममेट्स हैं, उनको अभी तक घर नहीं मिला है. अभी Airbnb पे 2-3 लोग रहते हैं, दे आर स्टिल फाइंडिंग फॉर देयर होम्स. सो Airbnb करवाना ही चाहिए, मैं तो बोलूंगा. एग्जैक्टली, मतलब आदित्य तो यहाँ पे रह रहा है. सो इवन मुझे ऐसा लगता है यार कि किसी की स्पेस में रहना इज नॉट कम्फर्टेबल फॉर देम, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर इट. ओके, बट मेरा कुछ अलग सीन है, मैं आपको बताऊंगी बाद में इन सम अदर वीडियो. बट तेरा क्या एक्सपीरियंस है, लाइक यू आर लिविंग हियर, व्हाट डू यू थिंक, बेसमेंट इज अ गुड ऑप्शन, कम्फर्टेबल लगता नहीं कुछ? लाइक बेसमेंट ऐसा कुछ वेल मेंटेन्ड है तो लगता नहीं है कि सही है ऐसा कुछ. और यहाँ पे दूसरे भी लोग आते हैं, लाइक यू नो दूसरे रूम्स भी चढ़े होते हैं, तो वो लोग जब रात को बैठते हैं, एटलीस्ट यू नीड सम पीपल अराउंड यू. सो दैट्स द गुड थिंग एक्चुअली, कि उनके बाकी रूम्स भी रेंट पे चढ़े हुए हैं एयरबीएनबी पे, तो थोड़े से यू नो इंटरेक्शन हो जाती है. बट यहाँ पे है कि शांति बहुत ज्यादा ऐसे, वो पूरे कनाडा में शांति बहुत ज्यादा है, वो पूरे कनाडा में, उसका कुछ टेंशन नहीं है. पर सही लगता है, शांति भी अच्छी, लाइक मतलब इसने पूरा अच्छा लगा. और ऐसा लगता नहीं कि बेसमेंट में रहते, क्योंकि पूरा घर सेंट्रल एसी में चलता है, तो आपने पूरा एसी चलता है. व्हाट डू यू थिंक, कि 71,000 वर्थ इट लगे तुझे? हाँ
दोनों लोग मिलके लो क्योंकि एक रूम तो दो लोग शेयर कर सकते हैं. सो आप एक जन लोगे एक का, तो एक का इतना खर्चा आएगा. तो आई वुड सजेस्ट कि दो लोग मिलके तो कम से कम लो. अपने कंसल्टेंसी में लोग ढूंढो. अब मुझे ये मत बोलना कि तुम तो दोस्त थे पहले से. भाई हम लोग कनाडा आने के लिए हम लोग लिटरली मतलब हमारी कॉलेज में नेटवर्किंग हुई थी. सो अगर आपको पता चलता है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ प्लान आउट चीजें करो. यस दैट इज द थिंग. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प की होगी इन वेज ऑफ सीइंग द Airbnb एंड द एक्सपेंसेस. और ऑनेस्टली मतलब रिव्यूज और सब देख के और पिक्चर्स देख के ही डिसाइड करना कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है. क्लीनलीनेस वहाँ पे लग रही है कि नहीं. और मैंने ओनर को खुद टेक्स्ट किया था कि वी आर कमिंग. मतलब मुझे ना ऐसा था कि यार मैंने बुक कर दिया, पैसे चले गए, अब मतलब ओनर का कब रिस्पॉन्स आएगा. तो उनने मुझे रिस्पॉन्स किया कि तुम्हारे आने से दो दिन पहले हम तुम्हें टेक्स्ट करेंगे. तो उनने इतना लंबा चौड़ा मुझे रूल्स का भेजा था ईमेल, फिर मैंने इसको फॉरवर्ड किया था. Airbnb सेफ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, कंपनी बहुत इट इज सेफ. और सामने वाले को रिफंड आ जाता है तुमको. और सामने वाले को भी अपने रिव्यूज अच्छे रखने हैं, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चढ़ाना है. तो व्हाई वुड ही यू नो मेस अप हिज बिजनेस. सो या दैट इज इट. आई थिंक हमसे भी रिव्यू मांगेंगे तो हम भी दे देंगे. तो Let's नहीं see. सही है, इंडिया से अकोमोडेशन मत करके आओ, डन करके यहाँ पे आके ढूंढो, एयरबीएनबी भी कर लो 10-15 दिन यहाँ पे ना गाइस और मिल जाएगा. बहुत सीन डिफरेंट है. मतलब हम लोग जब यहाँ पे आए ना तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार नॉर्थ यॉर्क और मिसिसागा इज लाइक वेरी फार. तो मुझे लगा था मैप पे एकदम पास पर मार्कम, ये 10 किलोमीटर जाने में 30-40 मिनट लग जाते हैं. मतलब सही है, इंडिया में इतना टाइम लगता है अगर बस से जा रहे हो तो. हाँ, उतना टाइम मेन विंटर्स में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा. सो आई वुड से वही कि Airbnb तो यहाँ पे आके ही देखना, क्योंकि एरिया जब समझोगे कि आजू बाजू में क्या है, क्योंकि यहाँ पे इतने ऑप्शंस तुझे मिले शॉपिंग के बाजू में. हाँ सही है, बाजू में ही फ्रेशको है. सी मुझे पता ही नहीं है वो यहाँ पे रहा है. सो ऑब्वियसली अकोमोडेशन फाइनलाइज करने से पहले अपना सब कुछ आजू बाजू वाली चीजें देख लेना. सो आदित्य Meanwhile is planning to live somewhere else and मैं कहीं और. सो अभी बहुत सी चीजें फिगर आउट मुझे भी करनी है यार, और मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ. सो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप. सो या आई होप इट हेल्प एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. एंड यस कोई भी डाउट हो कुछ भी हो पूछ लेना मुझे, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया करो. लाइफ बहुत बिजी चल रही है यहाँ पे, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव आउट माई एक्सपीरियंसेस. सो या Thank you so much, guys. See you in the next video. Bye. Bye.